हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसे मैं बना रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया है। मैंने रेसिपीज़ लिखी हैं, मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं, मेरी बुक्स आती हैं कुकिंग की एंड क्राफ्ट की। मैं वीडियोस डालती हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मेरे 90 वीडियोस हो चुके हैं यूट्यूब में और आप लोग मुझे आसानी से सर्च कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, देखे हैं, बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। और जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे इस ब्लॉग को पसंद करें। और मैं आज आपको बता दूं, कल धनतेरस है और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने अभी खाने में सिर्फ मशरूम की सब्जी बनाई है। अभी मुझे रोटी सेकनी है, मुझे आटा सना रखा हुआ है और मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी बातें पहले शेयर कर लूं और मैंने सोचा कि आप लोगों को आज मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये मैंने तृप्ति सक्सेना, ये डिज़र्ट क्वीन, ये मैंने बेटर बटर ऐप को डाउनलोड किया था और उससे ये बुक्स में मैं 20 रेसिपी हर बुक में होती है और मैं इसे हर महीने पब्लिश करवाती हूँ। तो इस तरीके से ये 3-3 महीने के अंदर पब्लिश होके आ जाती है, मेरी रेसिपी हर महीने जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये है फूडी फाइटर और ये है माई फेवरेट रेसिपी, ये मेरी पहली बुक थी, ठीक है। और एक बुक और है, ये स्नैक अटैक। तो ये 4 बुक्स है मेरी जो कि अभी आ चुकी है और 80 रेसिपी हो गई है इसमें। और अभी एक रेसिपी मैंने ड्रिंक की डाल रखी है, वो भी अभी मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर आ जाएगी। और बाकी मेरे यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है कुकिंग का, आप उसमें बहुत सारे कुकिंग के रेसिपी देख सकते हैं और उसमें मैं प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ कि किस तरीके से रेसिपी बनाने के बाद प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने दिन भर क्या किया। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, इतना टायर्ड हो गई थी कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि ये ऑफिस चले गए मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जब मैं आई, मतलब इनको छोड़ करके आई, नीचे ड्रॉप करने गई थी और फिर जब मैं ऊपर आई हूँ अपने फ्लैट में, उसके बाद मेरी काम वाली आई, उसने सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी उसने करना था वो सब करके गई। उसके बाद मैंने खाना बनाया दोपहर का और खाना बनाने के बाद मैंने वीडियोस बनाए। तो क्राफ्ट के कम से कम 6-7 दिए मुझे बनाने थे क्योंकि बहुत दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा आज मैं दिए भी बना लेती हूँ, कल निकलना है और रंगोली मैं अक्सर वहाँ बनाती हूँ, तो मैंने दिए बनाए। ये देखिए, ये एक दिया बनाया मैंने, ये थोड़ा सा बड़ा दिया है और ये रंगोली के सेंटर में रखा जाएगा, इसको रखूँगी मैं। और मैं अक्सर वहाँ पे जब भी रंगोली बनाती हूँ तो बहुत प्यारे प्यारे से दिए बना के ले जाती हूँ। एक्चुअली मेरा मायका भी कानपुर में है और ससुराल भी मेरी कानपुर में है, मैं कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं गाज़ियाबाद में, तो यानी कि दिल्ली में वो जॉब करते हो, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। तो मैं मतलब हमेशा फेस्टिवल्स में ही जाती हूँ वहाँ पे और इन लॉज के संग सारे फेस्टिवल्स मनाती हूँ। और वैसे भी अभी तो हर महीने, हर 2 महीने में, 1 महीने में मुझे जाना ही है क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी कानपुर से ही चल रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो दिया है इसमें मैंने लेस लगा दी है और ये कुंदन लगाए हैं और ये दिए हैं, ये भी डायरेक्ट ये लेस वाला है, ये भी इसमें सिल्वर लेस लगाई है मैंने और ये कुंदन लगाए हैं। और ये दोनों दिए सेम ही है लमसम, बस कलर का डिफरेंस है और दोनों में कुंदन लगे हुए हैं। और ये मैंने कैंडल होल्डर बनाया है, ये बेसिकली मैंने क्रिसमस के लिए बनाया था पर ये ना दिवाली में भी इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इसके अंदर जो ये कैंडल लाइट आप देख रहे हो ना, ये मैंने घर पे ही बनाई है। ये मैंने जो फिनाइल का कैप होता है उसको लिया और कैंडल को पिघला करके और सारी कैंडल इसके अंदर डाल दी और इसके अंदर एक डोरी डाल दी, तो ये जलता है हमारा। और ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़, ये शेल्स है हमारे, ये हमारे पिस्ता शेल है जिसको मैंने कलर कर लिया रेड एंड ब्लू से और एक एक कुंदन लगा दिया। ये हमारी बैंगल्स हैं जो वेस्ट थी मेरे पास, उनको मैंने चिपका करके एक कुंदन की लेस लगा दी। और ये मेरा कैंडल होल्डर रेडी हो गया है, इसके अंदर मैं ऐसे कैंडल रखूँगी और
चला दूंगी। और नीचे बेस जो मैंने दिया हुआ है वो सीडी का है, आप देख सकते हैं। एक दिया मैंने ये भी बनाया है, ये भी दिया होल्डर है, ठीक है। इस ये भी मैंने सीडी से बनाया है, आप देखिए ये सीडी लगाई हुई है। और ये सारे ओरिजिनल कुंदन है, वो कुंदन नहीं थे, ये कुंदन है। और इसमें मैंने बॉल चेन लगाई है और इसको अच्छे से। और आपको पता है जब मेरी अभी करवा चौथ पड़ी थी तो इन्होंने मेरे यहाँ पे एक टैटू बना रखा है, और इन्होंने ये देखिए अपने नाम का टैटू बना रखा है, ये मोहित लिखा है इन्होंने, ये दिल जो बनाया है इन्होंने एम से, और यहाँ पे OHIT लिखा हुआ है। इनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, और इन्होंने मेरे एक्चुअली एक हाथ पिलो रखा था और साथ में इन्होंने खुद मेहंदी लगाई थी और यहाँ पे इन्होंने इसको लगा दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बहुत केयर करते हैं, अगर मैं कभी भी अपसेट होती हूँ ये मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, एंड देन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मुझे डील करते हैं। मुझे कभी भी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में ऐसी पति मिले, और यही पति मिले, ऐसा पति नहीं मिले, यही मिले। और ये देखिए मैंने लैंटर्न बनाया, यानी कि जो लालटेन होता है, तो इसके यहाँ से मैं क्या करूँगी, नीचे से बल्ब लगा दूँगी और इसको कनेक्शन दे दूँगी, तो आप इसको डायरेक्ट टांग सकते हैं। हैंगिंग का मैंने बनाया हुआ है, और चाहे तो अगर आप रख सकते हैं टेबल पे तो आप नीचे कैंडल लगा दीजिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आजकल लाइटें चली हुई हैं चाइना वाली, आप उसको भी लगा सकते हैं। एक मैंने ये बनाया हुआ है, ये भी देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। ये मेरे हस्बैंड है, देखिए कितने गोलू मोलू से हैं, और ये दिल्ली जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर है इनका, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मुझे कभी भी कुछ भी फील हो, बैड फील नहीं होने देते हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने एक डॉल ली है, मेरी जो ननद रानी है उनकी बहुत छोटी सी क्यूट सी बेबी है, तो 6-7 साल की है, तो अक्सर जब भी मैं जाती हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसकी मामी हूँ, और मैंने उसके लिए बहुत प्यारी सी डॉल ली है। और मैंने अपने ससुराल के लिए ये शुभ दीपावली ससुराल और मायका दोनों के लिए ले लिया है। और ये कल मैं ये सूट मैं अपनी कल काम वाली को दूंगी, क्योंकि कल उसका भी, क्योंकि 1 साल होने जा रहे हैं उसको मेरे घर में काम किए हुए, तो अब दीपावली का उसका त्यौहार तो बनता ही है, तो ये मैंने उसके लिए सूट खरीदा है, ठीक है। और ये बैंगल जो है ये मैंने अपनी मम्मी, अपनी सासू माँ, अपनी ननद रानी के लिए और अपनी सिस्टर के लिए खरीदा। और ये बैंगल जो है ये रेड कलर का आप देख रहे हो, मैंने अभी से निकाला नहीं है, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा बैंगल ये रेड कलर का, ये इस सूट का था जो कि मैंने अभी पहन लिया है। और मैंने पहना इसलिए है क्योंकि ये गाउन है जो ये मेरे लिए लाए थे इन्होंने, ऑनलाइन मतलब बुक कराया था मेरे लिए, तो जब मैं कानपुर में थी तब इन्होंने मेरे लिए बुक करा दिया था, और अभी मैंने स्टिच होके ये आया है, तो मुझे मतलब रुका नहीं गया, मैंने कहा नहीं मैं पहन के ही देखती हूँ, तो इसे मैं कल फिर से पहनूंगी। अभी तो मैं ये देखना चाह रही थी कि मेरे ऊपर फिट होता है कि नहीं। और आप देख सकते हो ये पूरा गाउन है, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, एंड मेरे मायके में एक छोटा सा बेबी हुआ है, पड़ोस का है, तो उस बच्चे के लिए मैं ये सूट ले जा रही हूँ बुलेन। एंड मेरी सासू माँ नीम की गिलोई बहुत पीती हैं मॉर्निंग में, तो उनके लिए नीम की गिलोई लेके जा रही हूँ। और अभी मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे हैं, और पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है सुबह, क्योंकि मुझे 6 बजे मेरी काम वाली आ जाएगी जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाएगी, और मुझे 7 बजे चौक बनानी है ज़मीन पे, और चौक बनाने के बाद उसके ऊपर चौकी रखूँगी, फिर मैं फ्रेश मतलब नहा धो के चौकी वोकी रख के फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के मैं गणेश लक्ष्मी जी को रखूँगी, उसके बाद चांदी के सिक्के से हमारे यहाँ पूजा की जाती धनतेरस की, तो मैं वो रखूँगी, उसके बाद उनको लड्डू चढ़ाऊँगी बेसन के, और बेसन के लड्डू मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं वो चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं 7:30-8 बजे के अप्रॉक्स हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन कंफर्म नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने ट्रेन से रिजर्वेशन नहीं कराया, तो मैं बाई कार जाऊँगी,
सफाई कर जाने में 6-7 घंटे आप मान के चलो, तो कल तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊंगी, तो मे भी शायद कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इसको पहन लिया और आपको दिखा दिया है। और आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं इस ड्रेस में आपको कैसी लग रही हूँ। और मेरे ख्याल से आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, इनके लिए रोटी सेकनी है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय।